नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष, जहां आज हम बात करने वाले हैं बुलियन मार्केट की। क्योंकि बुलियन मार्केट में जिस तरह का एक्शन वापस से दिखना शुरू हो गया है, चांदी में जिस तरह की तेजी पिछले हफ्ते दिखी, अब आगे किस तरह की चाल सोने की और चांदी की रहेगी? क्या सोना फिर से नई तेजी की तैयारी कर रहा है? चांदी फिर से नया रिकॉर्ड बनाने वाली है? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो बुलियन मार्केट पर अपनी राय रखेंगे। हमारे साथ शुभांकर सेन साहब हैं, एमडी और सीईओ हैं सेनको गोल्ड के। हमारे साथ विघ्नहर्ता गोल्ड के चेयरमैन महेंद्र लुनिया साहब हैं और साथ ही रेनेशा चेनानी हैं ऑगमोंट गोल्ड से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है, आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले महेंद्र जी आपके पास आएंगे। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि गोल्ड में एक लंबी सुस्ती या एक हेल्दी करेक्शन के बाद वापस से खरीदारी दिखनी शुरू हो गई है, क्या लग रहा है ये जो खरीदारी है, इस खरीदारी में गोल्ड नया हाई बना सकता है क्या? एक्चुअली गोल्ड की जो रेट है, जो अगर अपन ने देखा रहेगा कि 2000 तक जाने के बाद नीचे आए और वो 1896 से उसने फिर से ऊपर आना शुरू कर दिया, और जो गोल्ड के रेट है अभी फिर से 1950 के करीब है। मुझे नहीं लगता कि फिर से ये नीचे आने की संभावना है। यहाँ पर से कंटिन्यूअसली एक अच्छी रैली निकलेगी और जो पिछले वाला जो रिकॉर्ड था उसे तोड़ने की संभावना यहाँ पर से मुझे नजर आ रही है। गोल्ड के दाम हो सकता है इसी हफ्ते में आपको 60,000 को क्रॉस करते हुए दिखेंगे। रेनेशा जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, जैसा महेंद्र जी से जो सवाल किया था, सिमिलर सवाल आपसे भी होगा। एक अच्छी गिरावट के बाद, एक हेल्दी करेक्शन के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या सोने और चांदी में एक बड़ी तेजी की तैयारी चल रही है, नया रिकॉर्ड जल्द बनने वाला है, और कौन कौन से लेवल होंगे जो जल्द गोल्ड और सिल्वर में दिख सकते हैं? रेनेशा जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से लास्ट वीक का इन्फ्लेशन का डेटा घट के आया है, अराउंड यूएस का जो सीपीआई 3% के आसपास रिकॉर्ड हुआ है, तो इसके बाद जो एक हॉकिशनेस आ गई है मार्केट में कि आगे चल के जो इंटरेस्ट रेट्स है इतने नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जो यूएस फेड का जो टारगेट है वो है 2% इन्फ्लेशन का, एंड ऑलमोस्ट वो उसके नजदीक आ चुके हैं। तो ग्रेजुअली जो उन्होंने इतने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं पिछले सवा साल से, तो मुझे लग रहा है एक पॉज आना चाहिए, और ये काफी बुलिश न्यूज है गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर। इसलिए हम देख रहे हैं कि लास्ट थर्सडे फ्राइडे को काफी अच्छी रन अप रैली आई थी। गोल्ड से ज्यादा मुझे सिल्वर में लग रहा है कि काफी एक नया बुल रन स्टार्ट हो सकता है, काफी अटेंशन आ रहा है, क्योंकि अंडर काफी अंडर रहा है सिल्वर। तो मुझे लग रहा है गोल्ड में तो बाई करनी ही चाहिए। एक जो $1950 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था वो क्रॉस हो चुका है, तो अभी हम 1980 एंड $2000 तक जा सकते हैं। सिल्वर काफी पॉजिटिव लग रहा है, $25 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो नेक्स्ट जो है $26 तक हम आते हुए देख सकते हैं। इंडियन मार्केट्स में मुझे लग रहा है 78,000 जो सिल्वर का प्रीवियस हाई था उसे जल्दी हम क्रॉस करते हुए देखेंगे, एंड 80,000 इज ऑन कार्ड्स। रेनेशा जी, आपने चांदी को लेकर कहा कि चांदी जल्द 78,000 से लेकर 80,000 तक छू सकती है, लेकिन उसका टाइम फ्रेम कब होगा, कब तक चांदी 80,000 रुपए के पार निकल सकती है? जुलाई के महीने में नहीं एटलीस्ट, पर मुझे लग रहा है नेक्स्ट एक दो महीने में हम रिकॉर्ड हाई प्राइसेस सिल्वर में देख सकते हैं। जिस तरह से एक शॉर्ट कवरिंग आई है, बॉटम फिशिंग आई है सिल्वर में, काफी टाइम से इतना परफॉर्म नहीं किया था, अंडर परफॉर्मेंस रहा था मैंने जैसे कहा, तो $26 जो 78,000 का लेवल है वो एक बार क्रॉस होता है तो मुझे लगता है बहुत ही जल्द 80,000 और उसके अबव के लेवल्स देखे जाएंगे। लॉन्ग टर्म में मेरा टारगेट इवन $30 का है, जो 90,000 के लेवल के आसपास बनता है इंडियन मार्केट्स में, जो हम नेक्स्ट 5-6 महीने में देख सकें। बट इन शॉर्ट टर्म एटलीस्ट इन एक दो महीने किसी को भी पोजीशन बनानी है तो अभी भी काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट का सीन है, आप बाय कर सकते हैं। एटलीस्ट 80,000 तो आपको एक दो महीने में दिखेगा। शुभांकर सिंह साहब आपके पास अब आएंगे, आपसे मेरा सवाल होगा सोने की हाजिर डिमांड को लेकर, क्योंकि जिस तरह के भाव हैं, जिस तरह की तेजी हमने हाल में देखी गोल्ड में, 2023 में जिस तरह की रैली देखी है गोल्ड में, क्या जो खरीदार हैं वो डाइजेस्ट कर चुके हैं इस भाव को, और हाजिर में किस तरह की डिमांड है, आपके स्टोर से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है? शुभांकर सिंह साहब, हाँ, अगर हम लोग देखें लास्ट 2-3 महीने में अक्षय तृतीया का जो सेल्स रहा वो भी अच्छा सेल्स रहा, और लास्ट जून में भी हम लोग अगर सेल्स का ट्रेंड देखें
तो ये प्राइसेस में कस्टमर्स ने एडजस्ट कर लिया। सामने में जिन लोगों के शादियां है, मैरिजेस है, दे आर बाइंग ज्वेलरी एंड दे आर यूज टू दिस प्राइस राइट नाउ। लास्ट मंथ में हम लोग का रथ यात्रा में ऑफर निकला, मॉनसून सीजन ऑफर है, तो ये सारा चीज जो चल रहा था, तो वी कैन फील दैट कंज्यूमर्स आर एडजस्टिंग टू द प्राइस। और मॉनसून भी अच्छे से हो रहा है, तो हम लोग का भी बहुत पॉजिटिव है कि एग्रीकल्चरल इनकम भी बढ़ेंगे और सामने सीजन में भी ज्वेलरी का डिमांड रहेगा। शुभांकर सिंह साहब, अगर गोल्ड के आउटलुक की बात करें, प्राइस आउटलुक की अगर बात करें, तो क्या लग रहा है, क्या जो करंट लेवल है गोल्ड का, कि खरीदारी के लिए सही है? एक ज्वेलर के तौर पे नहीं, एक एक्सपर्ट के तौर पर बताइए कि गोल्ड में करंट लेवल पर क्या करना चाहिए? देखिए, गोल्ड का प्राइस नीचे तो आ रहा था। अभी जब फेड में इंटरेस्ट रेट जो एनालिसिस चल रहा है, वहां पे देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। जो हिसाब से इन्फ्लेशन रेट 7, 8, 6 के ऊपर थे, आज वो 3, 4 के बीच में है। तो इसीलिए लोगों का सोच यह हो रहा है कि फेड जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे, उस हिसाब से उतना नहीं बढ़ाएंगे, और इस कारण के लिए ही गोल्ड का प्राइस जंप हो गया। बट इसके साथ साथ दो चीजें काम करेंगे। एक है कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, यूएस का भी सामने में इलेक्शन आने वाला है, सो दे विल वांट दैट द इकोनॉमी टू ग्रो बिफोर दैट। तो इसके लिए इक्विटीज में भी एक अगर रिटर्न अच्छे से यूएस मार्केट में आना चालू हो गया, तो गोल्ड थोड़ा वीक हो जाता है। बट एट द सेम टाइम जब इंटरेस्ट रेट आपका उतना नहीं बढ़ेगा, तो गोल्ड का बढ़ने का चांसेस है। सो दोनों ही थॉट प्रोसेस काम में होगा। अगर मेरे को एज एन एक्सपर्ट पूछा जाए, तो मैं बोलूंगा कि गोल्ड विल बी रेंज बाउंड। डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो इट इज गोइंग टू बी इन द रेंज ऑफ 1880 to 1900। अभी 50-60 चल रहा है, मे बी 1980 2000 के नीचे ही रहेगा डॉलर टर्म्स में। और रुपी का सिचुएशन में आज रुपी जो भी है, सो रुपी में आप रुपी टर्म्स में गोल्ड का प्राइस देखेंगे, तो 3-4 हज़ार रुपया में ये एक रेंज बाउंड रहेगा। महन जी, आपसे अब मेरा सवाल होगा, 59-60 हज़ार रुपये का जो लेवल है गोल्ड का, आपको क्या लग रहा है? ग्राहकों ने उस भाव को डाइजेस्ट कर लिया है, उनको लग रहा है कि भाव सही है, वाजिब है, यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आने वाली है, क्या लग रहा है? और वो उन भाव पर खरीदारी भी कर रहे हैं क्या? महेंद्र जी, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसका रीजन भी वही है कि अब ये डाइजेस्ट हो चुका है कि भाई अब इसके नीचे गोल्ड के रेट आ नहीं सकते हैं। बहुत दिनों तक अगर अपन ने देखा है कि 60 हज़ार, 62 हज़ार, 64 हज़ार के रेट गए थे, जहां पर से ये जो रेट आए 58,500 या 59,500 के करीब, तो ये एक आइडियल रेट हो जाता है लोगों का माइंडसेट बनाने के लिए कि यस, इसके नीचे जाने की संभावना कम है। क्योंकि 64,000 से नीचे आते हुए 58,200, 58,300 का रेट इन्होंने बताया, और यहाँ पर से ये फिर से एक बार पिकअप हो रहा है। और यहाँ पर से लोगों का नॉट ओनली जो ट्रेडिशनली बाय करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बॉटम लाइन आ जाती है, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन आ जाती है, जहाँ पर से लोग बाय करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर से गोल्ड के रेट कंटिन्यूअसली ऊपर जाते हुए दिखेंगे अपने को। महन जी, चांदी क्या जल्द 80 हज़ार रुपये भी छू सकती है? और जो रेनिशा जी से जो सवाल हमने किया था कि क्या टाइम फ्रेम होगा, आपको कब, क्या लग रहा है कब तक चांदी 80 हज़ार के पार निकल सकती है, कितना वक्त चांदी लेगी? चांदी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि चांदी में भी आपके लिए खरीदारी का माहौल बन रहा है। जिसे अगर आप लॉन्गर टर्म की बात करूं मैं, तो इसमें आप चांदी में भी आप एंटर कर सकते हो, जहां पर से आपको एक रिटर्न अच्छा, नॉट ओनली 80-85,000, पॉसिबली ये 90,000 को क्रॉस करते हुए भी दिखेगी। शुभांकर सिंह जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा चांदी को लेकर, चांदी को लेकर आपका आउटलुक क्या है? जिस तरह की तेजी, अच्छी तेजी आ चुकी है चांदी में, अब रिकॉर्ड के से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्या इन स्तरों पर चांदी में खरीदारी बनती है या नई खरीदारी के लिए अभी इंतजार करना चाहिए, गिरावट के बाद ही चांदी खरीदना समझदारी भरा कदम होगा? देखिए, चांदी का प्राइस अभी कुछ दिन पहले भी क्या था, 69-70,000, 71,000 था, अभी 74,500 के आसपास चल गया है। बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो बोल रहा हूँ कि विद द ईवी व्हीकल्स कमिंग इन, सोलर पावर, ये जो 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 इंडस्ट्रियल यूजेस में चांदी का यूज बढ़ता जाएगा, सो लॉन्ग टर्म के लिए चांदी, सिल्वर इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। एज अ ज्वेलर मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट एज एन इन्वेस्टर एंड एन एक्सपर्ट, लॉन्ग टर्म के लिए
चांदी इज वेरी वॉलेटाइल, कभी कभी जल्दी से 4-5 हजार बढ़ पा जाता है, बट 4-5 हजार घट भी जाता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। रेनिशा जी, अब कुछ फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। जिस तरह से फेड के रुख को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, 25 और 26 जुलाई को यूएस फेड की बैठक है, हालांकि बाजार इस बात को डाइजेस्ट कर चुका है कि इस बैठक में यूएस फेड 4/4% ब्याज दरें कम करेगा, लेकिन इसके बाद जब अगली बैठक होगी सितंबर में, तो उस बैठक को लेकर बाजार क्या अनुमान लगा रहा है? क्या एक पॉज फिर से फेड की तरफ से सितंबर की बैठक में देखने को मिल सकता है क्या? रेनिशा जी, जिस तरह से फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं पिछले 1.25 साल से, हमने देखा है इकोनॉमी के पर काफी इम्पैक्ट आया है, और आगे चल के एक लैगिंग इम्पैक्ट भी आएगा, जो एक टाइम लगता है, 1 साल 15 महीने लगता है कुछ भी इकोनॉमिक पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी को इम्पैक्ट आने में। तो हमने इन्फ्लेशन को देखा है धीरे धीरे कूल डाउन हुआ है, इसी तरह हमने देखा है कि बाकी इकोनॉमिक डेटा है, जिस तरह जीडीपी है वो भी यूएस में घट रहा है, ग्रोथ घट रही है, मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स देखे आप तो वो भी खराब आ रहा है। तो ये सब इस तरह दर्शाते हैं कि आगे चल के स्लो डाउन आ सकता है, और अगर स्लो डाउन बढ़ा तो रिसेशन भी आ सकता है। और इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो यहाँ से जैसे फेड ने कहा है वो 2 बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, तो एटलीस्ट यहाँ से अपसाइड जो है हमें पता है कि 50 बेसिस पॉइंट जितना ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उसके बाद बाय द ईयर एंड एक पॉज आ सकता है, और नेक्स्ट ईयर अगर रिसेशन कंसर्न बढ़ते हैं तो एक हम देख सकते हैं कि कट भी आ सकता है, या फिर सीरीज ऑफ कट भी आ सकते हैं अगर इकोनॉमी गोज इनटू रिसेशन। इट ऑल डिपेंड्स किस तरह से इकोनॉमी बिहेव कर रही है, किस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है, बट यहाँ से मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ में यस हम रिसेशन कंसर्न बढ़ते हुए देख रहे हैं। रेनिशा जी, अब अगला सवाल मेरा होगा, जो डिमांड का जो ओवरऑल सिनेरियो है, चाहे वो सेंट्रल बैंक की डिमांड हो, हेज फंड्स की तरफ से बाइंग हो, या फिर इंडिया और चाइना, इन दोनों ही कंट्रीज की हाजिर डिमांड हो, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, किस आंकड़े क्या कह रहे हैं, और वो उस आंकड़ों के दम पे किस तरह की चाल आगे दिख सकती है? फिजिकल डिमांड इंडिया में आप देखें तो जुलाई अगस्त जो पीरियड होता है वो थोड़ा लैकलस्टर और डल डिमांड रहती है, क्योंकि मानसून सीजन है, एग्रीकल्चर हार्वेस्ट सोइंग ये सब रहता है, तो जो हमारी रूरल डिमांड है गोल्ड की वो ऑलमोस्ट 60% कंसिस्ट करती है, तो इस रूरल सेक्टर से डिमांड कम हो जाती है, बट ये अर्बन सेक्टर जो 40% कॉन्स्टिट्यूट करता है उसमें लगातार हम अच्छी डिमांड देख रहे हैं। ग्रेजुअली अभी नेक्स्ट 2 महीने में फेस्टिवल स्टार्ट होंगे, फिर मैरिज सीजन स्टार्ट होगी, तो जैसे गोल्ड की प्राइसेस 60,000 के नीचे आ गई थी, सिल्वर की प्राइसेस 70,000 के नीचे आ गई थी, तो हमने काफी अच्छी फिजिकल डिमांड आते हुए देखी थी सारे प्रोडक्ट्स में। अर्बन डिमांड काफी स्ट्रांग है, और इंटरनेशनली आप देखेंगे तो ये सेंट्रल बैंक की डिमांड भी काफी स्ट्रांग है, लास्ट ईयर हमने देखा था कि रिकॉर्ड हाई बाइंग हुई थी, इस बार फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे उसमें भी काफी अच्छी बाइंग हुई है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड फिजिकल डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है। जब भी प्राइसेस नीचे आते हैं हम देखते हैं काफी अच्छी बॉटम फिशिंग होती है इन्वेस्टर्स से, तो वो काफी स्ट्रांग ही है और ग्रेजुअली 1-2 महीने में और बढ़ेगी। ईटीएफ की डिमांड थोड़ी डल है, बट ये इसको थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर है, जिस तरह प्राइसेस बढ़ती है तो ईटीएफ डिमांड भी बढ़ती है, तो हम देखेंगे कि आगे चल के डिमांड की तरफ से कोई कंसर्न नहीं है, सप्लाई हमें पता है कि गोल्ड में भी हम भी हमेशा से डेफिसिट रहा है, सिल्वर में सबसे ज्यादा डेफिसिट रहा है पिछले 2 सालों से, इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि सिल्वर मार्केट डेफिसिट में रहेगा, काफी स्ट्रांग डिमांड है 5G से और सोलर टेक्नोलॉजी से, तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि इस बार आउट परफॉर्मेंस आना चाहिए गोल्ड से, और जिस तरह से मैंने बताया कि मेरे जो टारगेट्स है मैं 90,000 तक भी सिल्वर को जाते हुए देख रही हूँ। महन जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, एक कारोबारी नहीं, आप एक एक्सपर्ट के तौर पे, बुलियन एक्सपर्ट के तौर पे बताइए कि सोने के किस विकल्प को चुनना चाहिए जहां रिस्क कम फायदे ज़्यादा आपको दिख रही है, अगर सोने के एक किसी विकल्प को चुनना हो तो आप कहाँ दाव लगाने की सलाह देंगे? मैं हमेशा सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात करूंगा जब आम पीपल की बात आती है, क्योंकि अगर हम फिजिकल गोल्ड के बारे में बात करेंगे तो फिजिकल गोल्ड में होता ऐसे है कि खरीदारी पे हमें 3% का जीएसटी देना पड़ता है, उसके बाद जब हम बेचने के लिए जाएंगे वहां पर भी हमें फेयर वैल्यू नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की बात करेंगे तो जहां पर खरीदारी करते वक्त भी हमें 3% का कोई भी जीएसटी नहीं देना पड़ता है, साथ ही में जब हम बेचने की बात करते हैं जो फेयर वैल्यू जो हमें स्क्रीन पे मिलती है वही मिल जाती है, यहाँ पर फिर कोई भी यहाँ पे कटौती नहीं होती है। तो दैट्स वाई ये एक चीज होगी। दूसरी चीज, जितने दिन हम इसे संभालेंगे, जितने दिन यानी कि 6 महीना अगर या 1 साल संभालते हो, 1 साल अगर आप संभालते हो तो 2.5% का ब्याज आपको आरबीआई की तरफ से मिलता है। तो
तो ये सभी चीजों में मैं ये बोलूंगा कि ये सोने पे सुहागा होगा। अगर आप इसे डिजिटली फॉर्म में खरीदी करोगे तो आपको सिर्फ गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होते हुए नहीं दिखेगा, तो उसके ऊपर आप ब्याज भी कमा पाओगे। दैट्स व्हाई आई आस्किंग कि टू गो विद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड। यानी अभी भी सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और महेंद्र जी को लगता है कि सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड में जिस तरह के फिक्स ब्याज मिलते हैं, साथ ही आपको स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, इस वजह से आपको सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड इनको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो ये खास चर्चा में आप तीनों ही मेहमानों को शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और दर्शकों को बताया कि बुलियन मार्केट में फिलहाल क्या करना चाहिए, किस तरह की चाल आगे रहेगी, क्या फिर से नया रिकॉर्ड सोना और चांदी क्या जल्द 80,000 रुपये भी पार कर सकती है। तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ग्लोबल मार्केट में जिस तरह की अनसर्टेनिटी चल रही है उसका फ़ायदा गोल्ड और सिल्वर जमकर उठा रहा है और काफ़ी चर्चा में है पूरा ही बुलियन इंडस्ट्री। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनके पास ज्वेलरी इंडस्ट्री का 60 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है। हमारे साथ है महेश जैन साहब, यूपी सर्राफा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। महेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। 80 साल के आप हो चुके हैं, 60 साल से ज़्यादा समय से आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में हैं। जिस समय आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में कारोबार में उतरे थे, हालांकि आपकी थर्ड जनरेशन है इस बिज़नेस में, लेकिन उस दौरान क्या भाव था गोल्ड का, ताकि लोगों को भी पता चले कि जब आप आए थे, आप यंग एज में थे, उस समय क्या भाव चल रहा था गोल्ड का? देखिए 1960 में 110 रुपये प्रति तोले का दाम, 110 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव में इन्होंने, हाँ प्रति तोला यानी प्रति 10 ग्राम का भाव था। तोला उस समय क्या होता था? 11.664 का एक तोला होता था। ओके, तो और चांदी किस भाव में थी सर उस दौरान? चांदी उस समय 300 रुपये का भाव था। 300 रुपये किलो का भाव? 300 रुपये। और 60 साल में 300 की चांदी 75,000 की हो गई। हाँ। किस तरह की रिटर्न इनके सामने आंखों देखी, इतना रिटर्न दिया, 300 की चांदी 75,000 रुपये की हो चुकी है और गोल्ड आप देख ही रहे हैं 61,000 भी पार कर चुका है। क्या लग रहा है आपका अनुभव क्या कह रहा है, जो मौजूदा भाव है, जिस तरह की तेजी, वन वे रैली है, कोई निवेशक जो नए लोग होंगे वो देख रहे होंगे आपको, अगर तो वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरह का भाव आगे मिलेगा, अगर करेंट लेवल पे करूंगा तो कोई रिस्क तो नहीं है ना गोल्ड में? देखिए ऐसा है कि चांदी और सोना जिसको हम बुलियन बोलते हैं उसका एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है। वो करेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो शॉर्ट सप्लाई में चीज़ है, माइनिंग से निकलती है, उसकी कोई भी मशीन से या किसी भी मैन मेड से चीज़ का उत्पादन नहीं किया जा सकता। और चांदी और सोना एक ऐसी कमोडिटी है कि यदि उसकी आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जैसे मैं बहुत सालों से कहता चला आ रहा हूँ कि उसमें साल में 5 और 6% का भाव में इंक्रीमेंट होना ही होना है। यदि 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, 4 साल नहीं होगा, तो 5वें साल एकदम से वो छलांग लगा करके पहुँच जाएगा। यदि आप हिस्ट्री देखें बुलियन के भाव की, तो 1978 में सोने का भाव मात्र 480 रुपये प्रति 10 ग्राम था और 1983 में वो 1650 हो गया। 4 साल के कार्य में उसका 4 गुना की वृद्धि हो गई। 4 गुना से भी ज़्यादा। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ आज भी 700-800 टन माल का इंपोर्ट होता है, बिल्कुल हर साल, स्मगलिंग के अलावा जी 200 टन की स्मगलिंग भी होती है। और हमारी संस्कृति आदिकाल से ये रही है और हमारे बुजुर्गों की ये बुद्धिमत्ता थी कि उन्होंने सोने के प्रति लेडीज़ के अंदर मोह पैदा कर दिया। उन्होंने ये बताया कि सोना जेवर कपड़े से ज़्यादा अच्छा तरीका है सौंदर्य के लिए, और उन्हीं की इस बुद्धिमत्ता के कारण आज हिंदुस्तान की हर लेडी का झुकाव ज्वेलरी के प्रति है और रहेगा। और गोल्ड के बारे में सर कहा जाता है कि गोल्ड खरीद कर कोई पछताया नहीं हो आज तक जिसने खरीदा हो, और आप कह भी रहे हैं कि 4 साल में 4 गुना से भी ज़्यादा भी दाम बढ़े, कई बार ऐसे भी मौके आए, हालांकि हो सकता है कि बहुत बार आप खरीदे 3-4 साल भाव नहीं बढ़े, लेकिन फिर 4 साल बाद 5 साल बाद एक साइकिल जब रिटर्न होता है तो गोल्ड में बम्पर तेजी देखने को मिल सकती है।
यहाँ से कितनी तेजी की संभावना आप सेंस कर रहे हैं, अगर अगले एक दो साल में किस तरह की तेजी आएगी गोल्ड में? मैं एक उसका एक फार्मूला आपको सीधा सा बता देता हूँ कि हमारे यहाँ सोने के भाव जो कंट्रोल होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं। यदि स्मगलिंग का पक्ष को हम छोड़ दें तो इंटरनेशनल मार्केट से होते हैं। हमारा डॉलर का और रुपए का साल भर का प्रीमियम 4% है। ओके, यदि आज डॉलर 82 रुपये का है तो एक साल के आगे का डॉलर 4% ज़्यादा है, और उसकी फिक्स रेट है, वो कोई ऐसा नहीं कि वो नकली भाव है, तो 4% का तो इनबिल्ट एप्रिसिएशन सोने में होना ही होना है। उसके अलावा रुपी डॉलर का जो प्रीमियम है वो भी 2% का है, तो जिस कमोडिटी में 5 और 6% का इनबिल्ट एप्रिसिएशन है तो उसको आप तभी रोक सकते हैं जब सोने के भाव इंटरनेशनली कम हो जाएं। इंटरनेशनल कम ना होने के भी बहुत बड़े लॉजिक हैं, माइनिंग कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, कोयला एक ऐसी कमोडिटी होती है कि आपने कोयला ब्लॉक लिया और पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जब आप सोने का माइनिंग करते हैं तो 1 टन में जाके 1 ग्राम सोना निकलता है, और यदि आप कहीं 50 मीटर नीचे जाएंगे, खोदने जाएंगे और 1 टन मिट्टी लाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ती जाएगी, इसको भी हमको दिमाग में रखना है। तो जब सारी चीज़ों का अच्छी तरह आप विश्लेषण करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चांदी और सोना हमेशा जो है ऊपर की तरफ ही जाएगा। कितने प्रतिशत जाएगा ये कोई भी व्यक्ति जोरदारी और गारंटी से नहीं कह सकता। ओके, क्या इनका अनुभव ये बता रहा है कि जिस तरह की चीज़ें हैं, करेंसी का तो एक प्ले है ही, करेंसी का तो फैक्टर है ही, करेंसी में जो कमज़ोरी आएगी रुपए में डॉलर के मुकाबले उसका फ़ायदा घरेलू बाज़ार में दिखेगा, इंटरनेशनल मार्केट में अगर दाम कम भी हो गए लेकिन माइनिंग का जो कॉस्ट है जिस तेज़ी से बढ़ा है वो फैक्टर तो सप्लाई पर उसका असर होता है, तो ये सारे फैक्टर जब भाव में आते हैं तो डेफिनेटली लंबी अवधि में तेज़ी दिखती है। चांदी को लेकर सर अब अगले एक साल में लोग बोल रहे हैं 90,000-1,00,000 रुपए हो जाएगी घरेलू बाज़ार में, आपका अनुभव चांदी को लेकर क्या कहता है? सर देखिए ऐसा है, यदि किसी भी समय किसी चीज़ में तेज़ी आ रही है तो कोई भी आदमी जो थोड़ा भी समझदार है उसको उसको खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि तेज़ी रुक जाएगी, लेकिन ये कहना कि मंदी हो जाएगी ये कोई विशेष कारण किससे आप नहीं कह सकते, लेकिन ये बात सही है कि चांदी और सोना बहुत कारणों से जो अभी टेम्परेरी 10 दिन में तेज़ी आई है उसमें बहुत से कारण हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं, वो टेम्परेरी है, ये परमानेंट तेज़ी नहीं है। शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला, इस उम्र में भी आप एक्टिव हैं और बहुत सारे ऐसे अनुभव जो जिसकी चर्चा हम नहीं करते थे वो भी आपने बताया गोल्ड और सिल्वर के निवेशकों के लिए। शुक्रिया सर।